सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम रियल एस्टेट और फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स के बारे में। ये काफी सारे स्टेट्स में ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, स्पेशली जो काफी कंजेस्टेड सिटीज हैं, जैसे मुंबई हो गई, आपकी चेन्नई हो गई, बैंगलोर हो गई, वहां पे ये काफी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ है। तो इस वीडियो में हम पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि TDR होता क्या है, उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, किस तरीके से TDR ट्रेड होता है, सारी बातों के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिए, जिससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ जाए। चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक सिटी है और यहाँ पे ये लेट्स से बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, इस तरीके से रो में ये अलग अलग प्लॉट्स हैं। लेट्स से मैं इनको नंबर दे देता हूँ 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से 4 ऑनवर्ड्स, इस तरीके से ये प्लॉट्स हैं। अब मान लीजिए ये एक रोड जा रही है जिसकी लेट्स से विड्थ मान लेते हैं अभी 9 मीटर की है, राइट। अब मान लीजिए यहाँ पे विड्थ को बढ़ाना चाहती है गवर्नमेंट कहती है कि हमें से 18 मीटर की रोड करना है और हमें यहाँ पे इतना लैंड एक्वायर करना होगा दोनों साइड्स पे। ये लेट्स से ऐसे कर लेते हैं, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्योंकि ये लैंड एक्विजिशन करना होगा, यहाँ पे प्राइवेट पार्टीज के ये प्लॉट्स हैं, तो लैंड एक्विजिशन करने के लिए कई बार सिटीज में क्या होता है, लैंड रेट्स बहुत हाई होते हैं। तो अब लैंड रेट हाई होता है और कॉम्पेंसेशन जो अगर गवर्नमेंट देती है वो कॉम्पेंसेशन बहुत लो होता है कई बार, तो उसके लिए ये पॉलिसी लेके आई जाती है काफी सिटीज के अंदर, जैसे मुंबई के अंदर ये सबसे पहले लेके आई गई थी इंडिया के अंदर। अब आज की डेट में कर्नाटका में भी है, तमिलनाडु के अंदर भी ये पॉलिसी है, दिल्ली के अंदर भी इंप्लीमेंट होने वाली है। तो इस पॉलिसी के अंदर क्या करती है गवर्नमेंट, ये प्राइवेट लैंड जो एक्वायर करती है उसकी जगह वो लैंड का डायरेक्टली कंपेंसेशन देने की बजाय एक डेवलपमेंट राइट दे देती है। डेवलपमेंट राइट किस तरीके से देती है, उसके लिए एक डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट इशू होता है, जिसे हम DRC भी कह सकते हैं। अब इस DRC के अंदर लिखा जाता है कि आपको कितना एडिशनल एरिया आप बना सकते हैं अपनी बिल्डिंग में या कहीं और। तो इसको थोड़ा सा और समझते हैं ढंग से। मान लीजिए ये एक लैंड एक्वायर करी, मैं इसको एग्जांपल के तौर पे समझ लेता हूं। मान लीजिए ये जो रोड की विड्थ है 9 मीटर है और यहाँ पे FSI जो है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स जिसे हम कहते हैं, FSI 1.5 है। यहाँ पे मैं 1.5 लिख देता हूं और ये रोड ए बोल देते हैं हम इसको, राइट। तो यहां पे अगर FSI 1.5 है तो उसका क्या मतलब है, मान लीजिए कोई हजार, ये मान लीजिए सारे के सारे 1000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं, तो 1000 स्क्वायर मीटर का लैंड एरिया हो गया आपका, प्लॉट एरिया लिख देता हूं मैं यहां पे, प्लॉट एरिया, राइट। तो अब 1000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट पे आप कितना बना सकते हैं बिल्टअप एरिया, तो ये 1.5 के हिसाब से 1500 स्क्वायर मीटर का हो जाता है। तो मान लीजिए ये जो पूरी बिल्डिंग बनी हुई है इसमें बिल्टअप एरिया 1500 स्क्वायर मीटर का बना हुआ है मान लीजिए, राइट। तो अब मान लीजिए इसके अंदर से 200 मीटर एक्वायर हो जाती है, ठीक है। तो 200 स्क्वायर मीटर एक्वायर करती है गवर्नमेंट इसको वाइड करने के लिए, तो 200 स्क्वायर मीटर का कितना 1.5 के हिसाब से कितना हो जाता है डेवलपमेंट राइट, तो 200 इंटू अगर हम 1.5 कर दें तो इतना आप बिल्टअप एरिया बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 300 स्क्वायर मीटर का आपको एक एडिशनल एरिया मिल जाता है, इसे हम TDR बोलते हैं, राइट। तो अब ये FSI को हो सकता है आपको भी ये एकदम से समझ में ना आया हो, FSI का क्या मतलब है कि आप उस पर कितना बना सकते हैं बिल्ट अप एरिया। मान लीजिए प्लॉट का एरिया 1000 स्क्वायर मीटर है तो आप उसे 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना आप FSI से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब। तो इसमें मैंने किया क्या है कि 1000 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया है तो आपको ये टोटल बिल्ट अप एरिया आ जाएगा, राइट। तो आप टोटल बिल्ट अप एरिया कितना बना सकते हैं एक प्लॉट पे वो पता चलता है हमें उस एरिया के FSI से। अब FSI के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको पूरी इसकी ढंग से कैलकुलेशन समझनी है तो आप वो वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं। बट समरी में आपको अगर बिल्टअप एरिया निकालना है तो आप प्लॉट एरिया को FSI से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका बिल्टअप एरिया निकल के आ जाता है। तो उससे हमें यह पता चल जाता है कि हम टोटल कितनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं किसी भी प्लॉट पे, ठीक है जी। तो अब हम अपने वापस एग्जांपल में आ जाते हैं। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो 200 स्क्वायर मीटर एरिया है ये एक्वायर हो गया, अब ये गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, ठीक है जी। हर बिल्डिंग से इतना एरिया एक्वायर कर लिया, ये जो एरिया है हर प्लॉट से इतना प्लॉट का एरिया एक्वायर हो गया। तो अब ये हर प्लॉट में एरिया मान लीजिए 200 स्क्वायर मीटर का है। तो
तो अब ये 200 स्क्वायर मीटर का जो एक्वायर किया उसके हिसाब से हमने कैलकुलेट कर लिया कि इसके एफएसआई से अगर हम मल्टीप्लाई करते तो कितना डेवलपमेंट राइट था यहाँ पे इस बिल्डिंग के पास, तो वो 300 स्क्वायर मीटर का टीडीआर हो गया एक तरीके से। तो क्या होगा, वो अगर चाहे बिल्डिंग के जो ओनर्स हैं वो यहाँ पे एक एडिशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो या तो अपनी बिल्डिंग के ऊपर ही बना सकते हैं राइट, या लेट से प्लॉट के अंदर उनके पास और थोड़ा सा एरिया बाकी है तो वो इस वाले एरिया में एक नई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है जी, अभी ये मैंने 2D में बना दिया है तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एक एडिशनल यहाँ पे छोटी बिल्डिंग और बना सकते हैं, 300 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर करना चाहते हैं तो, या फिर आप एक या दो फ्लोर्स और एडिशनल बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका डेवलपमेंट राइट 300 स्क्वायर मीटर का। ठीक है जी, तो अब ये जो 300 स्क्वायर मीटर का डेवलपमेंट राइट है ये DRC से इशू होता है, डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट से इशू होता है। अब बात आती है कि क्या ये 300 स्क्वायर मीटर इसी बिल्डिंग के ऊपर बनाना है या इस प्लॉट पे ही बनाना है, तो ऐसा नहीं है, ये ट्रेडेबल होता है। अब ये जो DRC है इसको आप सेल भी कर सकते हैं, तो ये जो सेलेबल है, ये जो राइट है ये सेलेबल है। तो इसका क्या मतलब है, मान लीजिए ये एक बहुत कंजेस्टेड एरिया है, ये रोड ए है, और आप किसी दूसरे एरिया में इसको बेचना चाहते हैं तो कोई भी डेवलपर इसको बेच सकता है, और ये जो बिल्डिंग के ओनर्स हैं ये किसी और डेवलपर को भी ये बेच सकते हैं। तो ये ट्रांसफरेबल इसीलिए बोला जाता है इनको, क्योंकि ये ट्रेडेबल होते हैं। तो अब हम एग्जांपल के तौर पे वो भी समझ लेते हैं, मान लीजिए ये डेवलपमेंट राइट्स किसी और को बेच दिए गए, किसी दूसरे डेवलपर को बेच दिए गए, और वो एक रोड बी है मान लीजिए उस एरिया के अंदर, रोड बी में वो डेवलप करना चाहता है, और वहां पे मान लीजिए FSI जो है खाली 1 का दिया गया है, तो वहां पे मान लीजिए एक और कोई प्लॉट का डेवलपमेंट कर रहा है कोई भी डेवलपर मान लीजिए, तो प्लॉट का जो स्क्वायर मीटर एरिया है वो मान लीजिए 2000 का एरिया है। ठीक है जी, तो वहां पे वो कितना टोटल बिल्टअप एरिया कर पाएगा, मल्टीप्लाई बाई आप FSI कर देंगे तो वो टोटल 2000 स्क्वायर मीटर का वहां पे उसका बिल्टअप एरिया निकल के आता है नॉर्मली। अब मान लीजिए उसने ये वाले जो 300 स्क्वायर मीटर के डेवलपमेंट राइट्स हैं ये खरीद लिए, तो क्या होगा, वो वहां पे कितनी टोटल डेवलपमेंट कर पाएगा, तो वो 2000 प्लस 300 यहां पे ऐड हो जाएगा, और वो टोटल मिला के 2300 स्क्वायर मीटर की डेवलपमेंट वहां पे कर सकता है। तो इस तरीके से ऐसे एरियाज में जहां पे डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, थोड़ा सा कम पॉपुलेशन है, उस एरिया के अंदर ये डेवलपमेंट राइट्स ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन ये आपके ज्यादा, अब मान लीजिए यहां पे जितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है ये इससे ज्यादा कोई पॉपुलेशन डेंसिटी का एरिया है, तो ऐसे एरियाज में ये डेवलपमेंट राइट्स ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि एंकरेज ऐसा किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप जो भी स्पेर्सली पॉपुलेटेड एरियाज हैं वहां पे थोड़ी सी डेवलपमेंट इस वजह से बढ़ाई जाती है। तो इसी वजह से TDR का कंसेप्ट आया भी है कि जहां पे बहुत ज्यादा हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है वहां पे डीकंजेस्ट किया जाए और बाकी के एरियाज को सिटी में सबर्बन एरियाज को डेवलप किया जाए। तो एक तो ये रीजन होता है, और दूसरे रीजन होते हैं आपके कई बार स्लम रीडेवलपमेंट होता है, आपके पब्लिक एमिनिटीज अगर गवर्नमेंट को बनवाने हैं तो कम खर्चा करके या फिर बिना खर्चा किए भी गवर्नमेंट कर सकती है। तो उसके बारे में भी हम डिटेल्स देखते हैं कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं TDR के। तो सबसे पहले हम TDR का पर्पस देख लेते हैं कि मेन पर्पस क्या है TDR का। तो एक तो लैंड एक्विजिशन काफी आसान हो जाता है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर गवर्नमेंट करना चाहती है, मान लीजिए कोई रोड्स वाइडन करनी है, कोई डेवलपमेंट ऑफ पार्क्स करना है, प्लेग्राउंड्स करना है, तो ऐसे एरियाज में गवर्नमेंट नहीं चाहेगी वहां पे कोई बिल्डिंग बनाना, तो इसीलिए वो कॉम्पेंसेट करेगी लैंड ओनर्स को। तो वो जो लैंड ओनर्स होंगे वो अपने डेवलपमेंट राइट्स को यूज करके या तो खुद बना सकते हैं एडिशनल बिल्टअप एरिया, या फिर उसको वो डेवलपमेंट राइट को बेच भी सकते हैं राइट। तो इस तरीके के कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए लैंड एक्विजिशन करना काफी आसान हो जाता है। फिर दूसरा, प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज स्ट्रक्चर्स। अब कुछ हेरिटेज स्ट्रक्चर को अगर प्रिजर्व करना है या फार्म और फॉरेस्ट लैंड को अगर प्रिजर्व करना है तो उसके लिए भी आसान हो जाता है, वहां के जो डेवलपमेंट राइट्स हैं वो ट्रांसफर हो सकते हैं। दूसरा, एक स्लम रीडेवलपमेंट में काफी हेल्प होती है। फॉर एग्जाम्पल मुंबई के अंदर स्लम रीडेवलपमेंट से काफी ज्यादा TDR जनरेट हुआ, और इनफैक्ट अर्ली 99 और 2000 के टाइम पे काफी ज्यादा वहां पे TDR राइट्स जो है जनरेट हुए थे, और जो आज तक भी बिकते हैं कई बार। और पब्लिक एमिनिटीज होती हैं, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग बननी है और उसके लिए पैसा नहीं खर्च करना चाहती है गवर्नमेंट, तो उसके लिए खर्चा हो सकता है डेवलपर करे, लेकिन उसको क्या होगा, डेवलपमेंट राइट्स मिल जाएंगे, एडिशनल राइट्स मिल जाएंगे, और उसको वो कहीं और पे यूटिलाइज कर सकता है या डेवलपमेंट राइट्स को बेच भी सकता है राइट। तो इसमें एक फायदा ये हो जाता है कि लैंड ओनर को बेटर कॉम्पेंसेशन मिल जाता है, अदरवाइज गवर्नमेंट के जो रेट्स होते हैं वो कई बार बहुत कम होते हैं,
तो बहुत लोग लैंड अपनी एक्वायर होने नहीं देना चाहते हैं, काफी ज्यादा लिटिगेशन हो जाते हैं, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है गवर्नमेंट के लिए भी लैंड एक्वायर करना, क्योंकि मार्केट रेट कई बार नहीं मिल पाता है लोगों को। तो लोग चाहते हैं कि उन्हें अगर डेवलपमेंट राइट मिल रहा है तो डेवलपमेंट राइट क्योंकि मार्केट रेट पे बिक सकता है, इस वजह से वो लोग प्रेफर करते हैं कि वो टीडीआर ले ले वहां पे। फिर टीडीआर इज ट्रेडेबल इन ओपन मार्केट, तो इसकी बात हमने ऑलरेडी कर ली है। मान लीजिए एक डेवलपर वन है, उसके पास कुछ टीडीआर है, उसने कहीं पे कोई स्लम रीडेवलपमेंट किया है मान लीजिए, तो उसको टीडीआर मिल गए, तो वो उसको सेल भी कर सकता है किसी दूसरे डेवलपर को, राइट। तो अगर मान लीजिए 10,000 स्क्वायर फीट के उसके पास राइट्स हैं, ठीक है, तो अब एक टाइम पे मुंबई में 4,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का टीडीआर का राइट भी चल रहा था, रेट भी चल रहा था। तो अगर मान लीजिए मैं इसे 4,000 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये आपका सीधे सीधे 4 करोड़ रुपए आ जाते हैं। तो उसको कोई डेवलपमेंट नहीं करनी, 4 करोड़ रुपए बैठे बिठाए उसको मिल सकते हैं आराम से, अगर उसके पास टीडीआर ऑलरेडी पहले का पड़ा हुआ है तो। क्योंकि अब ये टीडीआर धीरे धीरे इसका रेट भी बढ़ता रहता है, क्योंकि प्रॉपर मार्केट ड्रिवन है, राइट। दूसरा पॉइंट आता है कि दैट टीडीआर प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ सब अर्बन एरियाज। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए कोई हाई डेंसिटी एरिया है जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है और इंफ्रास्ट्रक्चर मान लीजिए वहां पे थोड़ा सा कम है, तो वहां से टीडीआर जनरली ट्रांसफर होता है लो डेंसिटी एरियाज में, राइट। तो यहां इस तरीके से हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में तो ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी एरिया में टीडीआर ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ठीक है जी। तो हाई डेंसिटी एरिया से हाई डेंसिटी के अंदर, सेम एरिया के अंदर तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर उसे लो डेंसिटी में करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो लो डेंसिटी का टीडीआर अगर कोई जनरेट हुआ है तो वो आप हाई डेंसिटी में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, इसके लिए रिस्ट्रिक्शंस भी अलग अलग तरीके के लगाए जाते हैं टीडीआर पे, तो ये देख लेते हैं और किस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं। तो कई बार रोड विड्थ का एक रिस्ट्रिक्शन लग जाता है, मान लीजिए अलग अलग, जैसे बॉम्बे का मैं एग्जांपल दे देता हूं, 9 मीटर 12 मीटर 18 और 30 मीटर की अलग अलग रोड्स के हिसाब से रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं कि किस तरीके से टीडीआर ट्रांसफर हो सकता है और हर रोड पे कितना टीडीआर जितना भी जनरेटेड है उसका कितना परसेंटेज वहां पे यूटिलाइजेशन है, राइट। तो 9 मीटर में फॉर एग्जांपल टीडीआर का यूटिलाइजेशन कम माना जाता है, और 30 मीटर से ज्यादा की अगर रोड है तो वहां पे टीडीआर का एक मल्टीपल होता है, उसके हिसाब से टीडीआर ट्रांसफर हो जाता है। तो आप ये अपनी हर सिटी के जितने भी रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस हैं वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद जोनल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसा हमने पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर ली कि आप हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ जा सकते हैं लेकिन लो से हाई की तरफ नहीं जा सकते हैं। उसी तरीके से कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंदर कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वहां पे टीडीआर हो सकता है अलाउड ही ना हो ट्रांसफर करना। हजार्डस जोन के अंदर भी ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। फिर जोनल प्रॉपर्टी रेट्स के हिसाब से भी ट्रांसफर होता है कई बार टीडीआर। फॉर एग्जांपल अगर कोई एरिया जहां पे लेट से प्राइस ज्यादा है लैंड का, ठीक है जी, प्राइस अगर ज्यादा है तो वहां पे टीडीआर हो सकता है कम अलाउड हो, और जहां पे प्राइस कम है तो वहां पे टीडीआर ज्यादा अलाउड हो सकता है, क्योंकि अब ये टीडीआर भी जो है ये कैलकुलेट होता है उसके प्राइस के हिसाब से, ठीक है जी। हर जगह का टीडीआर का रेट भी अलग होगा। फॉर एग्जांपल साउथ मुंबई में प्राइसेस क्योंकि हाई है तो वहां पे आपको टीडीआर कम मिलेगा, और अगर आप जैसे जैसे नॉर्थ में जाते हैं सब अर्बन एरियाज में जाते हैं वहां पे थोड़ा सा प्राइसेस कम है मान लीजिए मुंबई में, तो वहां पे आप टीडीआर थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके प्रॉपर फॉर्मूले होते हैं तो वो आप अपने फॉर्मूला चेक कर सकते हैं हर सिटी के लिए। ये भी एक लिमिटेशंस दी जाती हैं और आपको ये हर रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन चेक करनी चाहिए। फिर एक टाइम लिमिट भी होती है, काफी सिटीज में डाली जाती है कि आपके पास जो भी ये टीडीआर जनरेट हुआ है, फॉर एग्जांपल आप लेट से 5 साल के लिए यूज कर सकते हैं, 5 साल तक आपको उसको कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर अनदर 5 ईयर्स के लिए आपको रिवैलिडेशन मिल सकता है, तो आपको अप टू 10 ईयर्स तक का लिमिट मिल सकता है। तो ये लिमिट भी अलग अलग हो सकती है हर सिटी के अंदर। तो इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में देखा कि ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स होते कैसे हैं, किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं, और क्या क्या उसके पर्पज है और क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं फाइनेंस के आपसे डिटेल वीडियो शेयर करूं, तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके के फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और खुश रहिए।